और ममता दीदी ने बताना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी है कि ममता बेगम है। मुझे लगता है उन्होंने अपना धर्म बदला है और अपना चरित्र बदला। आज भी 7 करोड़ से ज्यादा हिंदू पश्चिम बंगाल में रहते हैं और हिंदू कमजोर नहीं है, हमारे अंदर सहनशीलता बहुत है। ये उसी का रूप आप देख रहे हो, लेकिन जिस दिन हमारा मन बन जाएगा फिर टीएमसी के लिए वोट ठीक नहीं होगा। और ऐसा कहते हैं विनाश काले विकृत बुद्धि, और बुद्धि खराब हो चुकी है, और ये सीधा सीधा दर्शाता है कि टीएमसी बुरी तरह इस चुनाव में हार रही है। इसलिए साधु संतों के ऊपर में आक्रमण हो रहा है, उनके जमीनों के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, और ये तालिबानी शासन कहीं से भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं चुनाव के बाद बहुत दिनों बाद अपने क्षेत्र में आया हूँ। अब सबकी जानकारी में यही कि पार्टी ने दिल्ली में और प्रांतों में जिम्मेदारी दी थी, वो सब करते हुए और कल और आज मैं कलकत्ता और खड़गपुर में था, उसके बाद अपने क्षेत्र में लौटा हूँ। दो तीन घटनाएं इस बीच में घटी है। एक तो मुझे बड़ा खेद है कि फांसी देवा के अंदर में जो रोड एक्सीडेंट हुआ है उसमें 23 लोगों हमारे बीच 23 लोग मतलब टोटल जो है 3 लोग नहीं रहे और 28 लोग का अस्पताल में इलाज लगातार चलता रहा, और अभी भी डॉक्टर से मेरी बात हुई उसमें से जो है 12 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं, कुछ लोग घर और डिस्चार्ज वो लोग कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है, और परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और मैं क्षेत्र में आया हूँ तो कल कुछ परिवार के यहाँ जा करके मैं अवश्य मिलूंगा। और उसके साथ ही 6 दिन पहले जो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी, एक रिसर्च स्कॉलर बहुत जो अप्रिय घटना जिसको मैं कह सकता हूँ, बहुत संदिग्ध अवस्था में जो इस तरह से मृत्यु हुई, और सीधा सीधा आरोप है कि वहीं के एनबीयू से जुड़े हुए प्रोफेसर और वहीं पे काम करने वाले कर्मचारी और खास करके टीएमसी से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल है। तो मैं इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कमिश्नर यहीं पे है, पुलिस वाले हैं, प्रशासन है, इसकी जांच होनी चाहिए जिससे दोबारा इस तरह की घटना नहीं। परिवार ने एक बेटी को खोया है और सिलीगुड़ी शहर के बीचों में जिस तरह की घटना घटती है, फिर सिलीगुड़ी के जो बाशिंदा हैं उनके मन में एक हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, और तत्काल इस पर जाँच हो और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और आपको नौकरी मिली इसीलिए है कि जनता सुरक्षित रहे आपके रहते हुए, इन्हें कहीं पश्चिम बंगाल में वो नहीं हो रहा है, ये आपकी जवाबदेही है, ये आपकी जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, नहीं तो आपको भी जवाबदेही इसके लिए पड़ना पड़ेगा। और विशेष करके जो जिस तरह की घटनाएं पिछले 5-7 दिनों के अंदर में साधु संतों के ऊपर में जो आक्रमण हो रहा है, आश्रम मठ मंदिर के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं, और रामकृष्ण मिशन के ऊपर में, भारत सेवा आश्रम के ऊपर में, इस्कॉन टेम्पल के ऊपर में, जो साधु संत जो हमारी आस्था को बचा के रखते हैं, भारत की आत्मा को जो बचा करके रखते हैं, भारत की संस्कृति परंपरा हमारी धर्म को और हमारी व्यवहार को बचा करके रखते हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा इस तरह का राजनीतिक आरोप मुझे लगता है किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी प्रांत के लिए अच्छा नहीं है। और बेहतर ये होता है कि टीएमसी धर्म में या मठ में, मंदिर में और आश्रम में, शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक न्या मूर्ति नदी लाटागुड़ी।
रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं।